फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैंने अभी नहा लिया है। एक्चुअली 2 दिनों से अच्छा नहीं लग रहा था, संडे मंडे मैंने नहाया नहीं था तो और ज़्यादा खराब लग रही थी तबीयत, तो आज सोचा कि नहा लूँ। और मेरे साथ भाविक ने भी नहीं नहाया था लास्ट कुछ दिनों से। मैं ऑफिस जा रही थी तो उसके पापा उसको नहला रहे थे, तो आज मैंने उसका भी बात करवा दिया है। Say hi. Hi all. How are you? How are you? काय पाहिजे? सो फ्रेंड्स, आज अभी थोड़ा सा मुझे रिलीफ है। और जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मुझे कोविड टेस्ट बताया है, बट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आज मैंने प्रिकॉशंस ले लिए और आज मुझे ठीक है। तो अभी मैं भगवान की पूजा कर लेती हूँ। पूजा इन द सेंस, सोचा कि आज थोड़ा टाइम है, मैं कभी छुट्टी नहीं लेती ऑफिस से और कल और आज मैं लीव पे हूँ। जब तक मुझे कोई इमरजेंसी काम नहीं आता तब तक प्रोबेबली मैं नहीं लेती हूँ। और मैंने आज सोचा कि मैं आज थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तो खाना वैसे भी बनाना ही है तो सोचा कि एक रेसिपी भी शूट की जाए। अगर आपने मुझे मेरे रेसिपी चैनल यानी स्नेहल किचन लाइफ्स में अगर फॉलो नहीं करते तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए। हमारे इंस्टा लिंक पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमें इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए फॉर द डेली अपडेट्स। चलो तुलसी माता को पानी डाल देते हैं। भाभी भाभी, चल तुलसी तुलसी माता ला पानी टाको। अपन कुठे तुलसी माता, कुठे कुठे दिते दिते कुठे? चल जय जय कराला, चल तुलसी माता सोबत। सो गाइस, फ्लैट में यही होता है कि यहाँ पे हमारा बेड है और यहाँ पे हमारी तुलसी है, बट हमें यहाँ पे ही रखना पड़ेगा क्योंकि इसको धूप नहीं लगती है तो ये सूख जाती है। और मैंने इनको पानी डाल दिया है, उसके साथ ही मैं यहाँ पे इनको अगरबत्ती भी लगा देती हूँ। जय कर भाभी, तुलसी माता ला। जय कर, जय कर से कराई सोचते। हमारा सिलेंडर भी आ गया, इसको सिर्फ बाबा ही चाहिए। हाँ देखो, अभी ये कारबार करके देखेगा उसमें क्या है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा कैसे निकलेगा। कुठे जातो है, कशाला कशाला जातो है? हाँ असू दे कारभार। चलो 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 अंदर चलो, हो घेते मी ते पण। चलो अंदर चलो चलो, डोर लगा दो डोर लगा दो। ओके, डोर क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज क्लोज, नॉट नोज, दैट इज नोज नोज है ते। मी क्लोज म्हटल, नोज नहीं। टीथ कुठे तुझे? टीथ नोज है ते, टीथ टीथ। ओके, नोज माउथ 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 कुठे? ते नोज है। आय 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 नोज है ते। परेशान हो गया, अरे यार कैसा? देखो देखो, अभी वो 14 किलो का है और ये इसको। फ्रेंड्स अभी मैं थोड़ा सा मेरा वीडियो शूट की तैयारी कर लेती हूँ और आपको मिलती हूँ। टिल द टाइम स्टे ट्यून।
अभी सचिन मुझे बताएंगे कि कैसे हुआ है। तिकडे भाभी आया फोन बघ ना, सांग ना आईला कसा झाला। आया फोन बघ, आया आईने खाने की चीज जो भाभी बोलता है। मैं तो हर बार बताता हूँ, पायल को पूछो क्या। पायल आप कैमरा में नहीं आऊंगे, बट आपका ओपिनियन। गुड गुड, शी सेड ठीक गुड, अच्छा बनाए। आप मेरा वीडियो देखिए मेरे चैनल पे जिसका नाम है स्नेहल एंड स्नेहल किचन लाइफ्स। सो और मुझे बताइए कमेंट करके कि कैसे बना है। तो अभी हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, एक्चुअली लंच का टाइम हुआ और हम लोग नाश्ता कर। सो स्टे ट्यून। हमारा भी नाश्ता हो गया है और अभी भाभी के बाबा बना रहे हैं मींस वो काकड़ी जो होती है उसको कद्दूकस कर रहे हैं। हमें बनाने हैं आज काकड़ी के पराठे। और ये भाई साहब अपना कारोबार शुरू। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने काकड़ी के पराठे का आटा लगा दिया है गैस पे, जो है तवा चढ़ा दिया, दो साइड में चढ़ाया है ताकि ये जल्दी हो जाए। आप लोग सोचते होंगे कि कल मेरी तबीयत खराब थी और आज मैं इतना सारा काम करूं, आज भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट कुकिंग ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। और मैं अगर ये करूंगी तो मेरी तबीयत जो खराब है उसमें मेरा मन नहीं रहेगा और मैं ज्यादा जल्दी रिकवर कर पाऊंगी, इसलिए मैं आज ज्यादा कुकिंग कर रही हूँ। वरना मुझे दाल सब्जी चावल रोटी बनाना अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे रेसिपीज नए नए कुकिंग कुछ उसमें अपना इन्वेंशन ये बहुत अच्छा लगता है। तो अभी ये भाविक और भाविक के बाबा जा रहे हैं, ये दोनों जा रहे हैं अभी दही लाने चटनी के लिए। हमारे इधर जो है महाराष्ट्र में बस जब बाहर जाते हैं तो हम जाते नहीं बोलते, जाकर आते हैं, इन द सेंस एतो। सो चलो अभी मैं काकड़ी के थाली पेट बना देती हूँ। ऑलरेडी आप देख सकते हो 2 बज रहे हैं और पायल को भी भूख लगे होंगे, उसका भी काम चल रहा है, तो चलो लेट्स गो। सो मेरे काकड़ी के जो पराठे हैं वो बन के रेडी हो गए, बट अभी तक जो है भाविक और भाविक के बाबा दही लेके नहीं है, तो मैं उनको ही कॉल कर रही हूँ कि वो कहाँ पे है। देखो यहाँ पे मैंने रेडी पराठे बना दिए हैं। हेलो, हाँ किती वे, ठीक है अभी वो बोल रहे कि आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, मैंने उनको पूछा कितना टाइम है। सो अभी ये काकड़ी के जो पराठे हैं मेरे बीच, इट्स ऑलमोस्ट वेरी, सो लेट्स आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। उन्होंने कुछ भाविक के लिए दिया क्या, ये टैबलेट है। ओके okay. जो टीथ आती है ना टीथ, हाँ हाँ टीथ आने के समय पे बहुत ज्यादा दर्द होता है इनको वो दर्द कम करता है, टीथ आने मतलब बहुत इजीली टीथ आ जाते है इससे। डाल के जो ये करते ना पकड़ के रखते है काटने के लिए देखते है वो नहीं करते इससे। तो मोंटी खुद लेके आए, हाँ आंटी कुछ जाके लेके उंगली डाल रहा था मुंह में ऐसे ऐसे पकड़ रहा था, तो आप भी बोल रहे थे इससे टीथ भी बहुत जल्दी आ जाएंगे और उसको तकलीफ भी नहीं होंगी। देखो भाविक की केयर करने के लिए कितने लोग हैं, वो भाविक उनके शॉप में जाता है रोज चॉकलेट खा के आ जाता है, आज भी डेरी मिल्क बिना पैसा दिए, आज भी डेरी मिल्क पाई दिल का तन्ना चॉकलेट से, चॉकलेट से पाई दिल कसे कुठून दिले तू पाई, तुला एवढे पैस नाहीये। ठीक आहे